बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारतीय दौरे ते आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बीते दिनी अपने संबोधन में अतवाद के मसले से जोर दिता। अतवाद नू अपने सारे गुआंढियों लई खतरा दसते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि इस नाल निबड़न लई एक स्पष्ट खेतरी रणनीति की लोड़ है, लेकिन संकेत दिता कि उन्हां दी सरकार संविधानिक ढांचे के दायरे च तालिबान नाल गल कर सकती है। भारत यात्रा च आए अफगान नेता ने अपने देश च पुनः निर्माण कार्य च सहायता लई भारत का धन्यवाद भी किया अते कहा कि अफगानिस्तान अपनी खुशहाली लई भारतीय निवेशकों वल वेख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हुण तक अफगानिस्तान च करीब 2.2 अरब डॉलर का वख-वख योजनावां च योगदान दिता है। गनी ने पिछले सितंबर च राष्ट्रपति अहुदे का कार्यभार संभालने तो बाद अपनी पहली भारत यात्रा ते कहा कि भारत साडा गुआंढी है ते दूजी सब तो वड्डी मुसलमान आबादी वाला देश है अते सिखर निवेशकां चों इक है। आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी यानी जाली डिग्री का मामला भागता जा रहा है। भाजपा ने बीते दिन जितेंद्र तोमर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा आगुआ ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। जितेंद्र तोमर ने पागलपुर यूनिवर्सिटी तो कानून की डिग्री करने का दावा किया। पागलपुर की तिकला मांझी यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर जितेंद्र तोमर की डिग्री को जाली दसया। सिर्फ इना ही नहीं यूनिवर्सिटी ने तोमर के रजिस्ट्रेशन नंबर नू गलत दस्या। यूनिवर्सिटी के मुताबिक जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का जितेंद्र तोमर दावा कर रहे हैं वो उन्हों का नहीं है। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट तो बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच बार काउंसिल ऑफ इंडिया नू सौंप दी है। पंजाब विच आत्महत्यावां अजकल एक आम जी गल बन गई है। आए दिन आत्महत्या की कोई ना कोई खबर सामने आई जाती है। इस बार खबर गुरदासपुर की है जिथे स्थानक रेलवे स्टेशन विखे एक बुजुर्ग व्यक्ति वल्लों ट्रेन थले आके आत्महत्या करने का मामला सामने आया। हाले मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। चश्मदीदा ने दसिया कि मृतक व्यक्ति वेरके तो ट्रेन विच बैठा सी अते जदों गुरदासपुर पुज्जा तां उसने चलदी ट्रेन दे थले आके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उधर रेलवे पुलिस ने मृतक की लाश नूं कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता है ते अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ क्योंकि ये प्लांट कला अलॉट होगा किसी किसान नू ये किसी कंपनी नू नहीं होगा ये वो कला फार्मर या ग्रुप ऑफ फार्मर्स होगा। सो इट्स अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होंगे नाले एक एग्रीकल्चर तो हट के जे कोई बिजनेस करना चाहता एक अपॉर्चुनिटी है। सो 500 मेगावाट्स तक असी एदा फर्स्ट फेज बिडिंग करनी है जे उदा रिस्पोंस चंगा होया जेड़ा मेरा मानना है कि 100% होगा उदे बाद सेकंड फेज ची असी अनदर 500 ली। मां बोली पंजाब दे नाम ते स्थापित हुई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 53वां साल दा सुनहरी सफर तय कर रही है। संसार नू वक्फा खेतरां च तराशे हीरे प्रदान करन वाली इस यूनिवर्सिटी विच 53वां स्थापना वरा मनाया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। सिक्ख्या दे शहर दे नाम तो संसार भर विच अपनी पहचान रखण वाले शाही शहर पटियाला च मां बोली दे नाम ते स्थापित हुई पंजाबी यूनिवर्सिटी कल अपने जीवन दे 53 सुनहरी साल पूरे करन जा रही है। संसार नू वक्फा खेतरां विच तराशे हीरे प्रदान करन वाली इस यूनिवर्सिटी विच 53वां स्थापना वरा मनाया जा रहा है। इस समागम दौरान दुनिया च अहम मुकाम हासिल करन वालियां शख्सियतां दा सम्मान किया जा रहा है।
इस यूनिवर्सिटी नूं स्थापित करने लई वड्डी कालना की गई। होरना नामवर शख्सियतों के नाल नाल इस यूनिवर्सिटी नूं स्थापित करन च चढ़दी कला ग्रुप का भी वडमुला योगदान है। स्थापना दिवस से सम्मानित किए जाने वाले च चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी खास तौर पर शामिल ने, जिन्होंने 55 साल पहला इस महान कार्ज लई जेलां कटियां। चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्थापना विच अहम रोल अदा किया है। इस यूनिवर्सिटी नूं स्थापित करन विच जिथे सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कोर कालना कटी जेलां कटियां, उन्हां दे कोर संघर्ष तो बाद इस यूनिवर्सिटी नूं अपना रुतबा हासिल होया। यूनिवर्सिटी की स्थापना होण तो बाद जगजीत सिंह दर्दी के परिवारिक मैंबर जोध सिंह 30 अप्रैल 1962 नूं यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने। मौजूदा समय च कई देशों नाल संबंधित 22,000 तो ज्यादा विद्यार्थी इत्थे सिक्ख्या लै रहे ने। दुनिया च अपनी पहचान स्थापित करने वाले पुलाड़ यात्री राकेश शर्मा, फिल्मी अदाकार ओम पुरी, उद्योगपति सुनील भारती मित्तल, अदाकार राज बब्बर, पंजाब दे नामवर गायक गुरदास मान दा पीयू दे विद्यार्थी होना एक वड्डे माण वाली गल है। साल 2002 तो 2007 तक SS बोपराय तो बाद साल 2007 तो डॉक्टर जसपाल सिंह यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर वजो नियुक्त ने। 4.5 लाख तो वध पुस्तकां, 7 बार खेड दी सर्वोत्तम ट्रॉफी अब्दुल कलाम आजाद माका जेतू होण, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी विच ओवरऑल रनर अप रहना, नेक टीम तो 5 स्टार दा सम्मान हासिल करना पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विशेष सम्मान विच शामिल है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे 53 साल दे इस सफर विच जिथे अनेक नामवर शख्सियतां जुड़ियां ने, जिन्हां विच पाकिस्तान दे खालसा स्कूल तो हैरी बवेजा, बलदेव सिंह, जोध सिंह कलकत्ता आदि नामवर शख्सियतां नूं सम्मान दिता जा रहा है। चढ़दी कला ग्रुप दे चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी दे नाल इन्हां शख्सियतां दी कई सालां दी अंथक मेहनत सदका अज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अपनी स्थापना दे 53 साल पूरे करन जा रही है। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दी स्थापना तो लेके हुण तक यूनिवर्सिटी विच किते गए अनेक विकासमई कार्यां विच शलाघायोग योगदान दिता है। अज उन्हां दी कई सालां दी मेहनत रंग लियाई है। सरदार जगजीत सिंह दर्दी हमेशा ही अनेक समाज सेवी कार्यां दे नाल नाल पूरी दुनिया विच सिखी अते पंजाबियत नूं बनदा सम्मान दिवाउण लई हमेशा अगे रहे ने। चढ़दी कला ग्रुप दे माध्यम नाल पूरी दुनिया विच सिखी अते गुरमत दा विचार करन वाले इको एक माणयोग शख्सियत सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वलों खास तौर ते सम्मानित किते जाना उन्हां दी उच्च पदरी अते सुचारू शख्सियत दा एक अहम हिस्सा है, जिस तो देश ही नहीं बल्कि विदेशां विच वी उन्हां दी वडमुल्ली छाप रोशन हो जा रही है। असीं आस करदे हां कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी दी योग अगुवाई हेठ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दा ए अदारा विद्यक अते होर खेतरां विच मल्ला मारदा रहे अते सरदार जगजीत सिंह दर्दी इसे तरह देशां विदेशां विच पंजाब दा नाम रोशन करदे रहे। मंडियां विच कणक आउण तो बाद किसान लगातार मंडियां विच रुल रहा है, क्योंकि हाले तक कणक दी कोई खरीद नहीं हुई है। तलवंडी साबो दे नजदीक पैंदे पिंड बुरज सेमा विखे जदों इस संबंधी किसानां नाल गलबात की गई तां उन्हां कहा कि वह तकरीबन पिछले 20 दिनों तो मंडियां विच रुल रहे ने, जदों कि उन्हां नूं हाले तक कणक दे रेट दा भी नहीं पता। किसानां ने दस्सिया कि वह मंडियां विच रुल रहे ने अते उन्हां दी हाले तक किसी ने कोई सार नहीं लई, खर्चे इन्ने ज्यादा ने कि खेती विच कुछ भी नहीं बचता। इस मौके किसानों ने सरकार तो आधुनिक सहूलतों की मांग की अते नाल ही कणका का सही रेट से बोनस की भी मांग की, ता जो किसान अपने अते अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। मंडियों में बुरा हाल हो गया जी, सामने सब जी, फिर रेट का जिम्मेदार अज तक रेट का नहीं पता लगा जी, किन्ने साड़ी जिंस का की रेट है जी। 20-25 दिन हो गए जी बैठे गह नरमे की बाणा तैयारी करनी जी, झोने की तैयारी करनी, ना बीज मिलता ना कणक जगते, विचाले विचाले जिम्मेदार रुल रहे जी। मैं फिर कणक के इन्ने खर्चे पे देश के जी, वाह वहाई दे तेल दे डीजल दे रेट आ नहीं रहा जी। हुण अज दे अखबार ते देखे जी 4,000 करोड़ रुपए कणक खरीद रखी आ, जिमीदार नूं किसे नूं पैसा वसूलिया नहीं जी सरकार ने। एक पासे मंडियां विच पई कणक दी खरीद नूं लैके किसान रोल रहा है, उधर बेमौसमी बरसात ने किसानां दीआं मुश्किलां होर वधा दित्तियां ने। कुछ अजिहा ही आलम वेखण नूं मिलिया नाभा अनाज मंडी विच, जिथे लखां दी तादाद च पईआं कणक दीआं बोरियां मींह विच भिज गईआं।
मंडी विच खरीद एजेंसियां वलों कणक दी लिफ्टिंग तो लैके सही रख रखाव दे सारे प्रबंध खोखले साबित होए। जदो मंडियां विच पई कणक नूं इस तरह भिजदियां वेख्या गया। कणक नूं बचाउण लई ना आरती अते ना ही खरीद एजेंसियां वलों योग प्रबंध कीते गए सन। बार कणक दा ज्यादा बुरा हाल हो गया। नाभा मंडी विच ही 5 लाख कट्टे दे लागे ताके चक्कन तो माल पिया है। मैक्सीम तो मैक्सीम 50,000 कट्टा हूँ तक चक्के लिफ्टिंग जड़ा इन्होंने एक काम करे कि सारा माल ऐसे को जाऊगा ओह सेंटर का वो करके बहुत बुरा। असल सरकार में एक गल कहने कि जिड़ी एजेंसी ने माल खरीदे वो एजेंसी अपने प्लेंथा को जिस तरह पहला दर वीरा चल रहा थी अपने को लवावे। उधर जिला गुरदासपुर दी मंडियां विच कणक दी खरीद ना शुरू होण करके अते समूह मंडियां विच आरतियां नूं कणक दी तुलाई लई बारदाना मुहैया ना किते जाण ते वख-वख थावां ते किसान मजदूरां अते आरतियां ने आवाजाई रोक के पंजाब सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया। आगुआं ने कहा कि जद तक गुरदासपुर दी सारियां मंडियां विच कणक दी खरीद शुरू नहीं हो जांदी उदों तक उह अपना संघर्ष जारी रखणगे। मजबूरन अज यह धरने का जो प्रोग्राम लिखा गया है सेंटर सरकार को दसना चाहते हैं सड़क से उतर के साडना वितकरा क्यों। असी अपने सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरकार प्रकाश सिंह बादल तो उम्मीद भी करते हैं क्योंकि बहुत सूझवान ने तो किसान के हित की गल भी करते हैं तो जल्दी सानू आस है कि वह मसला हल करके पर असी उन्नी देर यह धरना जिहड़ा आ जारी रखांगे। ऑपरेशन डायरेक्टर पंजाब बीरेंद्र सिंह ओईसीसी ऑस्ट्रेलिया ने आईसीआईसी बैंक रंजीत एवन्यू अमृतसर विखे अपना नवा दफ्तर खोलिया। इस मौके बीरेंद्र सिंह ने अपनी कंपनी दीयां नीतियां बारे दस्या कि विद्यार्थियों नूं सही देश अते सही कोर्स बारे जानकारी देना साडा मकसद है। उन्होंने दस्या कि कंपनी दीयां शाखावां मेलबोर्न ब्रिस्बेन अहमदाबाद जलंधर लुधियाना फगवाड़ा बटाला बंगलादेश नेपाल विच मौजूद ने। कंपनी का तजर्बेकार स्टाफ यानी कि बनाता है कि विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देश मिल सके ताजो विदेशों में पढ़ाई का सुपना साकार कर सकन। साडा लुधियाने तो शुरू होकर जो असं पंजाब की गल करिए ओईसीसी एक आस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसकी मेलबर्न ते ब्रिस्बेन ऑफिस ने। उस तो अलावा साड़ी 9 होर ब्रांचिज वर्ल्डवाइड ने जिद काठमांडू नेपाल बांग्लादेश ढाका इंडियन हैड ऑफिस साडा अहमदाबाद है। इंडियन हैड ऑफिस तो बाद साडा बॉम्बे में भी ऑफिस है ब्रांच ऑफिस है। उस तो अलावा जो मैं पंजाब की गल करा पंजाब के लुधियाने तो चल के लुधियाना फगवाड़ा जलंधर बटाला हुशियारपुर तो हूँ असी अमृतसर यह पंजाब की साड़ी 6वीं ब्रांच है। ये ब्रांचा खोलन का साडा जिहड़ा मकसद है असी जिहड़ा पहला काम कर रहे थे जिहड़े होर एजेंट्स ने जिहड़े साडे नाल पहलां तों जुड़े हुए सन एजेंट्स नूं देखते हुए जिहड़ी एक बच्चे की स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन जिहड़ी फाइल हुंदी उह चल के लुधियाने तों पंजाब तों चल के पहुँचती सी गुजरात या गुजरात की थां पहुँचती सी आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा वो जिहड़ा जिन्हें विच बंदे आई जा रहे थे उहदे कारण टाइम तो वधी जांदा सी ते बच्चों जिहड़ी इनफॉर्मेशन सी उह सच्ची ते सुची नहीं मिल पाती सी। ये सारा कुछ देखते हुए असीं उपराला कीता कि असीं हुण जिहड़े बच्चे ने उह साडियां सेवावां दा साडियां जिहड़ी इनफॉर्मेशन है गाइडेंस का लाहा लै सकदे ने। वो लाहा लैण दे लई फायदा लैण दे लई उस पंजाब दे विच किसी भी ब्रांच में जाके साडी पंजाब दी ओईसीसी समुची टीम नाल मिल सकदे ने। डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय मैनेजिंग ट्रस्टी सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वल्लों गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अते हस्पताल फरीदकोट के आर्थिक तंगदस्ती नाल जूझ रहे कैंसर पीड़ित लोगों वास्ते ट्रस्ट वल्लों पंजाब बैड बैडसाइड लाकर मेडिसिन टेबल चादर समेत मरीजों लई होर सहूलतां देके इस कैंसर वार्ड नूं चालू किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर राज बहादुर उपकुलपति बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सायंसिज डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय ने सांझे तौर पर किया। इस मौके हस्पताल के सीनियर डॉक्टर समेत डॉक्टर हरजिंदर सिंह वालिया मालवा जोन के प्रधान सरदार जस्सा सिंह संधु ट्रस्ट के मीडिया सेंटर इंचार्ज हरविंदर सिंह कोकू और सरबत दा भला फरीदकोट इकाई के प्रधान गुरप्रीत सिंह समेत सारे मैंबर मौजूद सन। जो भी रिक्वायरमेंट एक पेशेंट को चाहिए
ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 200 ਜਿਹੜੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੈੱਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਭਲੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੀਐਸ ਪਸਰੀਚਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਐਸ ਪਸਰੀਚਾ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਜੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਤਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਨ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਹਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅਫਜਲ ਨਗਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਭਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ
बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस दे नाल मिलदे हो जी, धन्यवाद।